वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आसान सा स्वेटर डिजाइन। केवल एक फोर रो की डिजाइन है फ्रेंड्स और फोर के मल्टीपल बनेगा प्लस फाइव फंदा आप लेंगे तो आपका डिजाइन अच्छी से सेट हो जाएगा। कोई भी नॉर्मल ऊल आप ले लीजिए और 10 नंबर की नीडल्स में आप इस डिजाइन को बनाइए, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बनेगा। इसे आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चे स्वेटर किसी भी और प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। ये डिजाइन जो है बैक साइड से स्टार्ट होगा तो आप राइट साइड से बॉर्डर या सीधी सिलाई आप बुन लीजिएगा। फंदे वगैरह बढ़ाने हो तो राइट साइड से बढ़ा लीजिएगा और ये बैक साइड से हम डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना ना भूलेगा जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो देखिए हम फर्स्ट फंदा स्लिप करते हैं, ऑप्शनली है, आप चाहें तो बुन भी सकते हैं। इसके बाद धागे को हम पीछे ले जाएंगे और देखिए थ्री फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए इसे हम इस तरीके से उल्टा बुन लेंगे और यहाँ पर देखिए 1 2 और ये 3, 3 टाइम्स हम धागे को लपेट लेंगे। देखिए 1 साइड का एड स्टिच है, 3 फंदा हमने सीधा बुना, 1 फंदा हमने उल्टा बुना और ये 1 2 3 3 फंदा हमने धागा लपेटा, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे देखिए 1 2 3 3 टाइम्स धागे को लपेट लेंगे और 3 फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 धागा आगे लाएंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, देखिए 1 2 3 3 टाइम्स हम धागा को लपेटेंगे और ये 3 फंदा सीधा, 1 2 3 अब देखिए धागा आगे लाएंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 1 2 3 3 टाइम धागा को लपेटेंगे और 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 1 साइड का एड स्टिच है इसको उल्टा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया बैक साइड। अब देखिए राइट साइड आ गए हैं और ये राइट साइड है, रो 2 है, सेकेंड रो है। देखिए फर्स्ट फंदा हमने आपसे कहा कि हम स्लिप करेंगे, आप चाहें तो बुन लीजिए, ऑप्शनली है। वैसे अगर स्लिप करते हैं तो सिलाई में आपको बहुत ही अच्छा सा एक फिनिशिंग लाइन आपकी आती है, ठीक। आप देखिए धागा फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा आगे लाएंगे और 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 देखिए 3 फंदा हमने उल्टा बुना। अब धागा पीछे ले जाएंगे, अब देखिए जो ये धागा हमने लपेटा था ना इसको हम स्लिप करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे लॉन्ग ऐसे खींचेंगे ना तो इतना लंबा आ जाएगा, ठीक। अब इस धागा आगे लाएंगे, अब ये 3 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, देखिए 1 2 3 धागा पीछे ले जाएंगे। अब जो है हमने धागा इसे लपेटा था ना इसको ऐसे ड्रॉप कर देंगे और इस फंदे को ऐसे खींचेंगे ना, देखिए कितना लॉन्ग सा ये आगे गया है। अब इसके बाद धागा को हम आगे लाएंगे और 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, देखिए 1 2 3 धागा पीछे ले जाएंगे। अब जो हमने धागा लपेटा था ना 3 टाइम्स उसको हम ऐसे ड्रॉप करेंगे और ये फंदे को देखिए ऐसे लॉन्ग, इसे बुनाई नहीं करना इसे ऐसे खींच लेना बस। धागा आगे लाएंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, देखिए 1 2 3 धागा पीछे, 1 साइड का एड स्टिच है इसको हम सीधा बुनेंगे। बहुत ही प्यारा देखिए ये डिजाइन, अभी ये थर्ड सेकेंड रो कंप्लीट हुआ है, अभी थर्ड रो है बैक साइड। बहुत ही इजी तरीके से ये डिजाइन पैटर्न फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। तो देखिए फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 धागा आगे लाएंगे और जो ये फंदा है ना इसको देखिए हम स्लिप कर लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और ये 1 2 3 3 फंदा हमने बुन लिया, धागा आगे लेकर आएंगे, देखिए धागा आगे लेकर के आएंगे और इस फंदे को हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदा हम सीधा बुनेंगे, देखिए 1 2 3 धागा आगे लाएंगे, इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे,
धागा आगे लेंगे, साइड का एड स्टिच है इसको बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये देखिए थर्ड रो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए राइट साइड है और रो फोर है, ठीक ना। अब देखिए इसे हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे लाएंगे, थ्री फंदा हम उल्टा बुनेंगे, वन टू थ्री, थ्री फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे ले गए। अब जो ये वन फंदा है ना इसको हम बुन लेंगे, देखिए इस तरीके से। इसके बाद धागा आगे लाएंगे, थ्री फंदा उल्टा बुनेंगे, वन टू थ्री, धागा पीछे ले जाएंगे। अब इसको हम ऐसे देखिए बुन लेंगे, सॉरी देखिए इसको सीधा, देखिए ये जो है इस तरह का घूम गया था, इसे सीधा रहना चाहिए, तो भी सीधा एकदम ऐसे जाएगा, ठीक ना। धागा आगे, थ्री फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखिए ये भी घुमा हुआ है, इसको हम पहले सीधा कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से सीधा करने के बाद इसे देखिए बुनेंगे, ठीक। धागा आगे लाएंगे, थ्री फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये साइड का एड स्टिच है इसको सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये फोर रो कंप्लीट हो गया डिजाइन पैटर्न का। अब यही वन से लेके फोर रो आपको रिपीट करते जाना है, तो पूरी डिजाइन देखिए इस तरीके से बनकर आएगी फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।